या अल्लाह, ये सब कब खत्म होगा? खिजर ने वो खत अभी तक पढ़ा या नहीं? हो सकता है पढ़ लिया हो। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो? अम्मी, डरे नहीं, मैं हूं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम अचानक आ गए ना? मीरान कहाँ है? रियान के साथ ही है ना? नहीं पता, हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, शादोलों वालों की तरफ से कोई खबर आई? अम्मी, आप ये सब सोचकर परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ। मेरा मतलब है सब ठीक है। हाँ, यानी मीरान पर इल्जाम लगाने के बाद रियान आई थी ना, इसलिए पूछा। मुझे लगा कहीं उन लोगों ने कुछ कर ना दिया हो। सब ठीक है ना? जी जी, सब कुछ ठीक है अम्मी। कल रात जो तुमने बातें की थी, मैंने उस बारे में बहुत सोचा। असलान भे वाले हमारी फैमिली हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि असल फैमिली हम दोनों हैं, तुम और मैं। बस तुम मेरा सब कुछ हो बेटा। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, प्यार करो, शादी करो और शादी करके अपना घर बसाओ। बेटा, मैं तुम्हारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। जानती हूँ तुमने कहा था यही रहोगे, एक बार फिर सोच लो। हाँ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, नया घर बना लेंगे। अम्मी, आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। काश आपसे वो सब ना कहता। अम्मी, मैं आपको ऐसे डरी हुई और परेशान हालत में नहीं देख सकता। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम एक साथ रहेंगे। मैं भी बस यही चाहती थी। नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ हो, और नहीं चाहती थी कि किसी को भी नुकसान हो। जो मैं कर सकती थी वो ही किया फिरात। मैं जो अच्छा कर सकती थी वो ही किया मैंने। अच्छा अम्मी, बस बस अब चुप हो जाएं। आप रोना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक